नमस्कार सभी बच्चों को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्लास चल गई है क्या। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और बिल्कुल चल गई है। नमस्कार नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कहते हैं कि लेके हरी का नाम। बहुत सुबह सुबह हम लोग काम करते हैं और बड़ा ही शानदार आपके लिए मौसम है, क्योंकि गर्मी लगने का कोई चीज़ है नहीं, ठंड लग भी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि काम का जोश इतना है कि उस जोश के सामने गर्मी यानी ठंड निकल जाती है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल चल गई है, चल गई है। धौलपुर बारों की तरफ से राम राम। बिल्कुल सभी बच्चों की तरफ से राम राम भाई। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जस्ट ए मिनट वेट। जस्ट ए मिनट और उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, डिविजिबिलिटी रूल मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा, लेकिन एक दो मिनट लगेंगे हमको, डिस्कस कर देते हैं। दो मिनट लगेगी हम लोग डिस्कस कर देते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या क्या चेक करते हैं। विभाजकता नियम, विभाजकता नियम। डिविजिबिलिटी रूल के लिए आप क्या क्या चेक करेंगे? विभाज्यता नियम। ठीक है, देखो, अगर आपके पास आप ढूंढ रहे हैं कि दो से डिविजिबल हो, तो सिर्फ क्या करो, लास्ट डिजिट को भाग देकर देख लो। अंतिम डिजिट देखते ही आप पता कर सकते हैं कि लास्ट डिजिट अगर दो से भाग है या दो के पहाड़े में आने के लिए है, कि जैसे या तो जीरो हो या तो दो हो या तो चार हो या तो छः हो या तो आठ हो, लास्ट डिजिट अगर ऐसी है तो आप उसको देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तीन की, तो तीन में क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स। तीन में क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग। तीन में क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग। अगर मैं बात करता हूं चार की, तो लास्ट टू डिजिट, दो की पावर दो हो जाएगा। ये पता है, लेकिन मैं आपको बस दो मिनट लगेंगी चीजें बता देता हूं, फिर इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लास्ट टू डिजिट्स, ठीक है। अब जैसे अगर मैं पांच की बात करता हूं, तो पास्ट में आ जाएगा लास्ट डिजिट मस्ट बी जीरो एंड फाइव। लास्ट डिजिट मस्ट बी जीरो या पांच, या तो जीरो हो या तो पांच हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं छह की, तो छह में आपको पता है कि छह को लिखा जाता है दो गुना तीन, तो आपको रूल याद है, दोनों रूल अप्लाई कर दो। दोनों रूल अप्लाई होने चाहिए। एक अगर दो का रूल अप्लाई हो गया, तीन का नहीं हुआ, तो भी भाग नहीं होगा। छह को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री, और टू इंटू थ्री है तो सीधी सी बात है कि फिर क्या कर सकते हैं अपन, ऐसे यानी लास्ट डिजिट चेक कर दो। दो का तो एक सेकंड में पता लग जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन भी है दो का तो एक सेकंड में पता लग जाता है, अच्छा ऐसा करना है। लेकिन अगर उधर नहीं पता चल पा रहा, तो आप क्या करेंगे, मतलब दो में तो पता चल गया, अब तीन में, तीन में अंकों को जोड़ लो। अब बात करते हैं अगर भैया सात की,
सात की अगर मैं बात करता हूं तो सात में देखो रूल है तीन चार, लेकिन आपके रेलवे के हिसाब से मैं या क्या कहूंगा, सात में जब भी बात आए ना भाग देकर देखना मैं यही लिखूंगा, क्योंकि अगर अपन सीडीएस या एसएससी के लिए जाते तो मैं यहाँ पे कुछ बातें बताता जो इम्पोर्टेंस हैं वहां के लिए, क्योंकि वो थोड़ा स्टैंडर्ड की बातें आ जाती हैं, तो यहां वो काम नहीं। भाग देकर देखना, आप तो भाग देकर देख लो बस, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं आठ की, अगर आठ की भाग करूंगा तो लास्ट है थ्री डिजिट्स, आखिरी के तीन अंक, क्योंकि ये दो की पावर तीन हो गया तो ये हो जाएगा लास्ट थ्री डिजिट्स, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं नौ की, तो नौ में क्या होता है सम ऑफ डिजिट, ये तीन की पावर में है, तीन की पावर है तो सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय नाइन, अंकों का योग नौ से भाग होना चाहिए, अंकों का योग नौ से भाग होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं करता हूं दस से, तो दस में तो फिर से वही पता है, लास्ट डिजिट मस्ट बी जीरो, लास्ट डिजिट मस्ट बी जीरो, लास्ट डिजिट मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, आखिरी डिजिट जीरो होनी चाहिए, मस्ट है। ग्यारह की अगर मैं बात करता हूं तो सम स्थान, मैं चलो इंग्लिश में लिख देता हूं, सम प्लेस माइनस इवन प्लेस, सम चलो ऐसा लिख दो, इवन या ओड प्लेस माइनस इवन प्लेस का योग आपको निकाल कर माइनस करना। अगर ये माइनस या तो जीरो आ जाए या ग्यारह आ जाए, मतलब ग्यारह का कोई मल्टीपल हो जाए, तो ये है। अब जैसे अगर मान लेता हूं सर बारह, भैया बारह के अंदर किसकी गुणा बैठी है, चार की और तीन की, तो ऐसे सोच लेना, लेकिन आपको पहना पता होना चाहिए ग्यारह से। अब सर इसके आगे क्यों नहीं पूछता, पूछता है, इसके आगे कॉम्बिनेशन लगा देता है, ऐसा नहीं है कि पूछता नहीं है, पूछता है, लेकिन इसके आगे कॉम्बिनेशन लगा देता है, कॉम्बिनेशन लगा देता है। तो कैसे करना है, मैं अगर आपको ये बोलूं इसके ऊपर कि जैसे मैं क्वेश्चंस की बारी बात करता हूं, सर क्वेश्चन कैसे आएंगे एक बार उनके ऊपर अपन अगर डिस्कशन कर लें तो ज्यादा बेहतर है, तो चलिएगा। सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो आपके क्या पूछे गए, वो एक तरह के क्वेश्चन तो आपके पेपर के अंदर कैसे आते हैं, यदि किसी संख्या को, मैं पहला नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है, यदि किसी संख्या को, यदि किसी, मैं फटाफट लिखूंगा भाई थोड़ा, क्योंकि दो दो तीन तीन क्वेश्चन कराऊंगा इसके हर तरीके के, यदि किसी संख्या को 52 से भाग दें, 52 से भाग दें तो 45 शेष बचता है, तो 45 शेष बचता है, यदि किसी संख्या को 52 से भाग दें तो 45 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, 13 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा। अब आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इसका जवाब भी निकाल लिया होगा। बात बड़ी छोटी सी है, अगर मैं देखता हूं कि 52 से भाग दे तो 45 बचता है, अब 13 से भाग देंगे तो 13 से 52 देखो पूरा पूरा कट रहा है, हमेशा इसका ही कोई फैक्टर देगा नीचे, जो जिस संख्या में शुरू से भाग दिलवाया है जब लास्ट में भाग दिलवाएगा तो उसी के फैक्टर से भाग दिलवाएगा। कहने का मतलब ये संख्या
100% ऐसी मिलेगी जो इससे भाग जाएगी, जिससे शुरू में भाग दे रहे थे उसी के फैक्टर से नीचे भाग दिलवाएगा। ये तो 13 हो गया। तो आपको क्या करना है कि जो सीधा आपका बैठा है रिमाइंडर, रिमाइंडर को माफ कर देना है 13 से। तो 13 तिया 39 और 39 हो गया, तो कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा? 6। आंसर मेरा आ जाएगा 6। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगर कई बार मैं छोटी छोटी बातों में इसमें कितनी बातें घुमा लूं, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं एग्जाम्पल के लिए, और आप मुझे आंसर देना सभी बच्चे, मेरा भी कमेंट पे ध्यान रहेगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं किसी संख्या को 7 से भाग देता हूं, अगर मैं किसी संख्या को 7 से भाग देता हूं तो मेरा रिमाइंडर आता है 3। मेरा रिमाइंडर आता है 3। यदि मैं उसी संख्या के 3 मान लो या 4 मान लो, चलो 4 मान लो, रिमाइंडर आता है मेरा 4। यदि मैं उसी संख्या के, इसी संख्या के अगर घन को यानी क्यूब को अगर मैं भाग देता हूं 7 से ही, अगर इसी संख्या की क्यूब को मैं भाग देता हूं 7 से ही, तो मेरा रिमाइंडर बताओ कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो, इतना जल्दी जल्दी आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए कि अगर किसी संख्या को मैंने 7 से भाग दिया तो 4 रिमाइंडर है, अगर मैं इसी संख्या के घन को, तो संख्या का घन करना है, संख्या का क्यूब करना है तो क्या होगा? तो संख्या का क्यूब करना है तो इस रिमाइंडर का भी क्यूब कर दो। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। 64 को आप 7 से भाग दे देंगे, 64 को आप 7 से भाग दे देंगे, 7 निमा 63, 63 बच गया, तो ये कितना बच जाएगा? 1। तो आंसर आ जाएगा 1 आंसर। यानी जो ऑपरेशन आपने संख्या पर अप्लाई किया है वही सेम ऑपरेशन आप रिमाइंडर पे अप्लाई कर दो, सेम चीज का, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये गुणा भाग में ही चलता है, प्लस माइनस में नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन ही गुणा भाग का देगा, क्वेश्चन ही गुणा भाग का देगा, ठीक है। चलिए, एक तो ये होता है, एक जो मेनली आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है, यदि किसी संख्या को, वैसे मैं आपको एचसीएफ एलसीएम में भी करवा चुका हूं ये क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन, मुझे लगता है कि रेलवे में आएगा ही आएगा। यदि किसी संख्या को, मैं लिख देता हूं एक मिनट के अंदर, यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से, यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 3, 5 व 4 से भाग दिया जाए, से 3, 5, 4 से भाग दें तीन पांच चार से भाग दें तो शेषफल एक दो दो बचता है, तो शेषफल एक दो दो बचता है, संख्या ज्ञात करें। बताओ मुझे आंसर बताइए, आंसर बताइए मुझे, आंसर बताइए, सभी बच्चे आंसर बताएंगे, संख्या ज्ञात करें। ये है, अब इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आता हूं सॉल्यूशन के ऊपर, तो देखो, अगर मैं क्रमागत रूप से भाग देता हूं, एक बार 3 से भाग दूं, अगली बार मैं 5 से भाग दूं, अगली बार मैं 4 से भाग दूं, तो क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है और 2 आता है।
एक आता है, दो आता है और दो आता है। तीन से भाग दूं तो एक आएगा, पांच से भाग दूं तो दो आएगा, और चार से भाग दूं तो दो आएगा, यही तो होगा। तो देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, यहां हमेशा आपको एक मानना है। जिस कुछ बच्चों को याद होगा ये मैं करवा चुका हूं रे, करवा चुका हूं मैं एचएफ एलसीएम के अंदर ये क्वेश्चन। मेन वर्ड क्या है यहां पर? कर्मागत रूप, कर्मागत रूप, सक्सेसिव कर्मागत रूप, जब लगातार भाग देंगे तब की मैं बात कर रहा हूं। अब देखो क्या करना, चार गुना एक चार, चार गुना एक चार, चार और दो छह। भैया ये लेट करना है हमेशा, इस संख्या को क्या करना है आपको, लेट करना है। अगर ये लेट कर लिया तो चार गुना एक चार, चार प्लस दो छह हो गया। अगली बार पांच गुना छह, पांच गुना छह तीस, और तीस और दो बत्तीस, ये बत्तीस हो गया है। अगली बार 32 गुना 3 छियानवे, 32 गुना 3 अगर छियानवे है तो छियानवे में एक जोड़ दो, 96 में एक जोड़ दो, 97, तो आंसर मेरा आ जाएगा 97। बोलो इस कर्मागत रूप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अब ये मत सोचो कि सर ऐसे ऐसे पांच सात क्वेश्चन करा दो, अरे कंसेप्ट समझ आ गया ना। अब एग्जाम्पल तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेज के अंदर आपको सिर्फ रिवीजन प्रॉपरली होना चाहिए हर चीज का, ठीक है? तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है? दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये भी मैंने बहुत देखा है, मैं हर जो जो क्वेश्चंस मैं छाट छाट के लाया हूं ना, कि आपके रेलवे के एग्जाम्स के अंदर कौन से क्वेश्चंस खूब आए हैं, तो इस तरह का, इसके दो तरीके, दोनों तरीके बता देता हूं, जौन सा भी तरीका आपको अच्छा लगे अप्लाई वही कर लेना, ठीक है? दोनों ही तरीके बेस्ट हैं अपनी जगह पर। 3 की पावर 21, 3 की पावर 22, 3 की पावर 23 और 3 की पावर 24, यह किससे विभाजित होगा, यह किससे विभाजित होगा, यह किस संख्या से, यह किस संख्या से विभाजित होगा, यह किस संख्या से विभाजित होगा, ठीक है? देखो बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, इसने बोला यह किस संख्या से विभाजित होगा, इसने ऐसा बोला है, ठीक है? और मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, रुको, 37, 10, 19 और 59, मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, 37, 10, 19 और 59। एक तरीका मैं नॉर्मल सिखा देता हूं और एक तरीका जो आपका दूसरा, दोनों तरीके इस क्वेश्चन के अंदर सिखा देता हूं, ऐसी दो प्रैक्टिस करा देता हूं। मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना, इसने क्या बोला, इसने आपको क्या करना है, 3 की पावर 21 कॉमन ले लो, आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या है ना उसको कॉमन ले लिया, 3 की पावर 21 को कॉमन ले लो। अगर आपने 3 की पावर 21 कॉमन ले लिया, 3 की पावर 21 आपने कॉमन ले लिया, 3 की पावर 21 आपने कॉमन ले लिया, तो क्या मेरे भाई यहां तो एक बन जाएगा, प्लस ही 3 की पावर 1, 21 बाहर तो एक ही तो बच गया, ये 3 की पावर 2, तीन की पावर दो और ये 3 की पावर 3, ठीक है? अब मेरी बात को सुनना, ये 3 की पावर 21 तो बाहर है ही, 3 की पावर 21 तो बाहर है ही, इनटू में 3 3 9 27, 27 3 30, 30 और 9 39, 39 और 1 40, ये 40 आ गया। अब इस अगले नंबर को मत देखो, इस अगले नंबर को मत देखो, अभी आप देखो ये वाला नंबर, क्या ये वाला नंबर, ये वाला नंबर इनमें से किससे भाग हो रहा है, ये वाला नंबर इनमें से किससे भाग हो रहा है? बोला सर 10 से, तो इसका आंसर कितना आ गया है, 10।
अब मेरी, मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक बात बता देता हूं, मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये बात बता देता हूं, ठीक है। अगर क्वेश्चन यही होता, क्वेश्चन सेम है, मैं आगे अगली जगह पर बात बता देता हूं, 37 19 59, मैं ऑप्शन बदल देता हूं, 37 19 12 59, ये लो जी क्वेश्चन भी मैं यहीं लिख देता हूं, 3 की पावर 21, 3 की पावर 21 प्लस में 3 की पावर 22 प्लस में 3 की पावर 23 और प्लस में 3 की पावर 24, ठीक है। यह बताना यह संख्या इनमें से किससे विभाजित होगी, यह संख्या इनमें से किससे विभाजित होगी, सॉल्यूशन आपको बताना है, सॉल्यूशन आपको बताना है क्या होगा। यह संख्या इनमें से किससे विभाजित होगी, सॉल्यूशन आपको बताना है क्या होगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आपने तरीका तो वही अप्लाई किया है क्या, 3 की पावर 21 बाहर, इसके बाद 1 प्लस 3 प्लस 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 1 हो गया, और प्लस 3 की पावर 3, ठीक है मेरे भाई, तरीका तो वही अप्लाई हो गया। अब देखो 27 3 30 30 39 1 40, तो कितना बन गया है, 3 की पावर 21 इंटू में 40। अब आपको इस बात का पता है, 3 की पावर 21 गुना 40 बन गया, अब आपको इस बात का पता है कि भैया ये 40 है, इसको देखो ये 40 किससे भाग होगा, सर कोई भी संख्या नहीं है जिससे 40 भाग हो जाए, कोई भी संख्या नहीं है जिससे 40 भाग हो जाए, तो करना क्या होगा, अगला स्टेप देखो, 3 की पावर 20 यहां तो करो 3 की पावर 20 और 1 3 उधर ले जाओ, 1 3 उधर रह गया और इंटू में 40 है, और 40 गुना 3 टोटल कितना हो जाएगा 120, 40 गुना 3 टोटल कितना हो जाएगा 120, ये जो 120 बैठा है अब चेक करो किससे भाग होगा, बोला सर 12 से, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना रह जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऑप्शन पर। अगर आपको पहले झटके में ही ऑप्शन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पहले झटके में ऑप्शन नहीं मिला तो करना क्या होगा, यहां से 1 पावर उधर बदल दो, यहां से 1 पावर उधर बदल दो, और उधर बदलने के बाद तो कहानी आपके लिए आसान हो जाएगी। अब देखो सर सेकेंड मेथड, एक तरीका आ गया, एक तरीका आ गया बाई ऑप्शन, मैं यहां लिख देता हूं इसको बाई ऑप्शन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये दोनों तरह की नॉलेज आपको इसी क्वेश्चन में हो जाए, मैंने एक ही क्वेश्चन को दो ऑप्शन बदल बदल के आपको करवा दिया, पहली चीज ठीक है, चेकिंग किसकी करनी है, इसकी करनी है। अब अगर मैं बात करता हूं यहां से, चलो मैं ग्रीन कर लेता हूं, ठीक है, देखो मेथड नंबर सेकेंड क्या करना होगा आपको, आपको पता है कि 3 की पावर 21 जिस बच्चे को याद है, जिस बच्चे को याद है यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई के स्थान का अंक, अभी मैं तो कराऊंगा लेकिन जी आपको याद भी तो होगा भाई पहले, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ट तो है नहीं, प्रैक्टिस बेस्ट है, तो इसका मतलब आप पहले पढ़ के भी बैठे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि जब आपको 3 की यूनिट प्लेस डिजिट होती थी तो आपको याद होगा कि 3 के लिए हम क्या करते थे, हम पावर को 4 से भाग देते थे, बोलो भैया बोलो, हाँ सर भाग देते थे, याद आ गया, पावर को 4 से भाग दो, यहां पावर को 4 से भाग देंगे तो 3 की पावर 1 बचेगा, यहां पावर को 4 से भाग देंगे तो यहां 3 की पावर 2 बचेगा, यहां पावर को 4 से भाग देंगे तो यहां 3 की पावर 3 बचेगा, और यहां पावर को 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा हो गया, और पूरा पूरा हो गया तो 3 की पावर 4 होता है। ये देखो 3 3 9 3 27 लास्ट डिजिट 7 है, 3 3 9 लास्ट डिजिट 9 है, 3 1 3 लास्ट डिजिट 3 है, लास्ट डिजिट 3 है, ये पूरा पूरा भाग हो जाए तो यानी 3 की पावर 4 है, और 3 की पावर 4 का आखिरी अंक, 3 की पावर 4 का आखिरी अंक 1 है। देखो अब मैंने देखा 9 3 12, 12 7 19 19 1 20, लास्ट में 0 आया कि नहीं आया, लास्ट में 0 आया तो कौन सा ऑप्शन बैठा है, 10 बैठा है। आप यूनिट प्लेस डिजिट निकालकर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये है बाई
नॉर्मल सॉल्यूशन, ये है बाई यूनिट प्लेस डिजिट। इसके दो तरीके और हैं, लेकिन मैं अब कंफ्यूज नहीं करूंगा, ऐसे भी कर लो वैसे भी कर लो ना। मैंने क्या बोला, कोई आपसे रास्ता पूछता है या कोई आप कहीं अननोन शहर में जा रहे हैं, आपने क्या बोल दिया, इससे इस चौराहे से राइट लेके और आगे लेफ्ट और फिर राइट लेके फिर पहुंच जाएंगे, और यहां अगर अगले चौराहे से लेंगे तो वहां से लेफ्ट लेके फिर 2 किलोमीटर बाद राइट लेके फिर लेफ्ट ले लेना। अगर आप पीछे जाके 1 किलोमीटर जाके उस चौराहे से अगर जाते हैं, आप क्या बोलोगे, अरे भाई एक चीज बता, एक चीज, हम अननोन है, हमारा दिमाग है, ह्यूमन माइंड है। तो जब जो बच्चा अननोन है उसके लिए मैं कह रहा हूं कि वो, मैं दूसरे मेथड्स अभी नहीं बता रहा, वो सिखाने कंसेप्ट बैच में सिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या को बाहर निकालो, पारी चीज को लिख दो, ये जो डिजिट आएगी इस डिजिट को आप क्या करेंगे, इस डिजिट में आपने चेक कर लिया, और डिजिट में आपने अगर चेक कर लिया तो क्या हो जाएगा, फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। बोलो अगर बात समझ में आई तो, हाँ ना का जवाब दे दिए रहा करो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लेंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ ऐसी, अब और ऐसे क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा, ठीक है भाई। तो चलिएगा, डिविजिबिलिटी के अंदर सर और कैसा क्वेश्चन आता है, अगर बहुत ज्यादा हायर, लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि आपके आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बारी के लिए एक क्वेश्चन सिर्फ करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन सिर्फ, एक ही मिनट रुकेगा, कल जो मैं लेटेस्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, अभी मेरे पास अभी एक बच्चे ने भेजा भी था और मैं उस बात को बहुत बार करवा भी चुका हूँ। जो आप CHSL का पेपर देंगे ना, उसमें तो 100% आएगा ये क्वेश्चन, 101%। इसने क्या बोला, एक संख्या दे रखी है 7 8, एक संख्या दे रखी है 7 8 9 एक्स 5 3 1 और वाई, एक संख्या दे रखी है 7 8 9 x 5 3 1 y, ठीक है, 72 से विभाजित है, 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है 5x-3y का मान ज्ञात करें। एक बारी के लिए मैं समझा देता हूं आप बच्चों को, जैसे बड़े नंबर आते हैं, पिछले बार के जितना भी CGL हुआ उसके बाद ये CHSL हुआ, पहले CGL के लिए आता है क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है CGL में आता है, उसके बाद क्वेश्चन CHSL में आता है, और उसके बाद क्वेश्चन रेलवे में आता है, समझ गए बात को। तो CGL ने भी पूछ लिया, CHSL ने भी पूछ लिया, मुझे नहीं लगता CBT 1 में आएगा, लेकिन एक मिनट के लिए मेरी बात को सुनना एक बारी। कुछ बच्चों को लगेगा कि अरे सर रहने दो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ नहीं पता होता किस्मत का, कोई एग्जामिनर का दिमाग फड़क जाए और वो फड़कता हुआ पेपर अपने ही से आ जाए, किसी एग्जामिनर का दिमाग फड़का हुआ हो और वो फड़कता हुआ पेपर अपने ही से आगे बैठ जाए, भाई साहब अब बाहर आके बोले कि अरे यार, तो इससे अच्छा पहले ही अपना सेफ साइड लेकर चलो, समझ रहे ना, कि जैसे बाहर प्रोटेस्ट करते हैं तो डंडे सिर्फ 5 10 को ही लगते हैं, बाकी तो ऐसे ही भाग लेते हैं, फिर क्या होता है लाठी चार्ज हुआ, उन लोगों के लिए थोड़ी हुआ जो पीछे थे, लाठी चार्ज किसके लिए हुआ, वो अगले 5 7 थे, उनकी दी अच्छे से दाबी गई अच्छे से। तो ये अगर ये क्वेश्चन गलती से भी मिल गया ना, तो देखो अब मेरी बात को सुनना, 72 से पाड़ा तो आता नहीं है, पाड़ा आके भी क्या करेगा, संख्या सेट नहीं है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला आपको क्या देखना है, जैसे ही बड़ी संख्या आती है, आज तक दो ही चीजों पे आया है, या तो 72 पे आया है या तो 88 पे आया, ये दो चीजों पे आया है आज तक, पूरा CGL निकल गया, पूरा CHSL निकल गया, आज तक पिछले 1.5 साल से ये दो चीजें बड़ी ट्रेंड में चल रहे, कहते हैं ना कि YouTube का ट्रेंडिंग वीडियो, तो ये वीडियो, ये दो दोनों संख्याएं है ना, ये ट्रेंडिंग में चल रही है, क्योंकि इसमें क्या देखा जाता है, इसमें एक बार 11 का पहाड़ा देखेंगे, एक बार 8 का पहाड़ा देखेंगे, इसमें क्या देखते हैं, एक बार 9 का पहाड़ा देखेंगे, एक बार 8 का देखेंगे, तो ये है ट्रेंडिंग की संख्याएं। तो देखो 72 है, 72 के अंदर क्या रहेगा, 9 और 8, 72 के अंदर क्ा रहेगा, 9 एंड 8, बोलो। अब मैंने देखा सबसे पहले चेक करना है 8 को, सबसे पहले चेक करना 8 को, और 8 के लिए क्या है, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है, 3 1 और y,
आठ के लिए क्या है, थ्री वन एंड ए वाई, थ्री वन एंड ए वाई। अब मैंने बोला अब लास्ट डिजिट चेक करनी है ये वाली, थ्री वन एंड ए वाई। तो गौर करना वाई की जगह मैं क्या रखूं कि ये पूरी पूरी संख्या भाग देने लग जाए। तो मैंने देखा सबसे पहले वाई की जगह जीरो रखा, मैंने देखा आठ या चौबीस, सात बचेगा, नहीं बनी बात। मैंने वाई की जगह एक रखा, मैंने देखा आठ या चौबीस बचेगा सात, फिर अगला आ गया इकहत्तर, नहीं बनी बात। और मैंने जैसे ही दो रखा, आठ या चौबीस बचा कितना सात, और आठ निमा बहत्तर। तो बिल्कुल कंडीशन क्लियरफाई हो गई कि वाई को दो रखने से ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती है। बोलो पता चला कि नहीं चला? आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा, जीरो रखो, एक रखो, दो रखो, टाइम तो लगेगा क्वेश्चन के अंदर। तो यानी कि ये आ गया है, ये तो कहानी हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन आपकी सेट हो गई कि इस केस के अंदर ये फर्स्ट कंडीशन आपकी है कि सिर्फ आखिरी के तीन डिजिट चेक करने थे। और वाई इक्वल टू टू रखने से क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू टू रखने से, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं सेकेंड कंडीशन की, मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना मेरे भाई। अगर मैंने देख लिया ये संख्या नौ से भाग होनी चाहिए, अब नौ से भाग के लिए मैं बता देता हूं, सात आठ नौ, एक जगह ये एक्स बैठा है, एक जगह ये पांच, ये तीन, ये एक, और अब ये वाई थोड़ी बैठा है, ये दो बैठा है। नाइन के लिए क्या था, सम ऑफ डिजिट्स, नाइन के लिए क्या था, सम ऑफ डिजिट्स। देखो आठ और सात पंद्रह, बताऊंगा अभी, बताऊंगा डिजिट सम। रुको रुको रुको, पहले जो मैं कह रहा हूं, सीखने के दौरान दिमाग ना चलाया करो, सीखने के दौरान सीखो और सीखने के बाद दिमाग चलाओ। बच्चे, जो बच्चे थोड़े उतावले होते हैं, गलती किन बच्चों से होती है, सीखते वक्त तो दिमाग चला देते हैं, और जैसे आपकी बारी आती अब बताते, अब बताओ सर। भैया सर ने तो आधे घंटे से बोल ही रहे थे, अब मेरी बात को सुन लेना, दिमाग मत लगाना, पहले वाई की चीज आ गई। अब देखो दो और एक तीन, तीन तीन छः, छः पाँच ग्यारह, ग्यारह नौ बीस, बीस आठ अट्ठाईस, अट्ठाईस सात, अट्ठाईस सात पैंतीस, ये आ गया पैंतीस, और प्लस में एक्स है। मैं इसको कितना रखूं, इस एक्स को मैं कितना रखूं कि भैया ये पूरा पूरा नौ से भाग हो जाए, इस एक्स की जगह मैं कितना रखूं कि ये पूरा पूरा नौ से भाग हो जाए, बोलो। तो आपने बोला सर एक्स की जगह आप कितना रख सकें, एक्स की जगह आप रख देंगे एक, एक्स की जगह आप कितना रख देंगे, एक्स की जगह आप रख देंगे एक, क्योंकि एक्स की जगह एक रखने से पैंतीस एक छत्तीस हो जाएगा। अब आप बोलो सर आगे भी तो, अरे क्यों चेक कर रहे हो, आपको भागे तो देना था, उसने कब बोला संख्या मैक्सिमम हो संख्या मिनिमम हो, आगे कंडीशन होती है, उसने ऐसा तो नहीं बोला वाई का मान मैक्सिमम हो। तो मैंने बोला कि x इक्वल टू वन आ गया, अब x का मान वन आ गया है, y का मान टू आ गया है, वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। x का मान वन आ गया है, y का मान टू आ गया है, वैल्यू किसकी निकाल, तो x का मान वन है तो फाइव इंटू वन माइनस में थ्री इंटू टू, तो पांच में से अगर छह गया तो कितना बन जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा, पांच में से अगर छह गया तो आंसर आ जाएगा माइनस का वन। बोलो भैया, अगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से हमने इस चीज को कर लिया है, बहुत अच्छे से, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का वन। बोलो क्या सभी बच्चों को ध्यान हो गया है, क्या इस तरह का एक क्वेश्चन और कराऊं क्या मैं, आपके कमेंट्स तो देख लूं यार क्या चल रहा है। मुझे तो कमेंट्स तो मैंने काफी टाइम से आपके देखे ही नहीं है, कभी आप कैसे कर रहे हैं काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या अब आप समझ में आ गया, क्या इस तरह का एक क्वेश्चन और कराऊं? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत गजब बहुत गजब, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। देखिएगा मैथ का कंसेप्ट बैच स्टार्ट करिए, करेंगे बेटा करेंगे, अभी इतना परेशान ना हुआ करो, करेंगे, बहुत सही चल रहे हो आप लोग। चलिएगा एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, ऐसा ही एक क्वेश्चन, नहीं वैसे जरूरत है नहीं, छोड़ो उस क्वेश्चन को। अब मैं वापिस आ जाता हूँ किसके ऊपर, अपने इस तौर तरीके पर, ये लीजिएगा। एक ही मिनट रुकिएगा, ये रहा जी। चलो अब मैं आ जाता हूं वापिस, ये मतलब इस तरह की। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन बताने लगता हूं ना, तो कुछ बच्चों को बड़ा मजा आ जाता है, हाँ सर हाँ सर ऐसे। बेटा ये ऐसे ना कंसेप्चुअल बैच है, बहुत लंबा चला जाता है, पांच पांच छह छह महीने लग जाते हैं, और अब तो मैंने कंटेंट सारा ही तैयार कर दिया पुराना,
पुराना हटा हटू के सब कुछ नया कर दिया, बिल्कुल कहते हैं ना कि कंटेंट का रिनोवेशन कर दिया, कंटेंट का रिनोवेशन कर दिया। देखिए अब मैं चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। ठीक है, देखना। इसने क्या बोला है, 3 4 1 x 6 1, 3 4 1 x 6 1, यह संख्या 9 से विभाजित है, 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 यह संख्या 9 से विभाजित है। x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। 3 1 2 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 1 2 4। अब बताना है आप सभी बच्चों को इसका जवाब, बोलियो बोलो भैया सॉल्यूशन, सभी बच्चों को इसका जवाब बताना है कितना हो सकता है। तो आपको पता है कि संख्या 9 से विभाजित है, संख्या 9 से विभाजित है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं एक बात बताना भूल गया, मैं एक बार पिछले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। देखो जैसे मैं यहां लिख देता हूं, एक बार एक बात मैं बताना भूल गया पिछले क्वेश्चन में, इसको देख लेना एक बार ध्यान से। क्या, जैसे मैं इस नंबर को यहां लिख लेता हूं एक बार के लिए, 7 8 9 x 5 3 1 और 2। ठीक है भाई, अब आपको कहिए कि 9 से भाग होना चाहिए, 9 से भाग होना चाहिए तो पूरी पूरी संख्या 9 से भाग होगी। अगर पूरी पूरी संख्या 9 से भाग होगी तो देखना, ये 9 को हटा दो, ये 8 और 1 9 को हटा दिया, खत्म हो गया। 5 और 3 8, ये देखो 7 और 2 9 को भी हटा दिया। जितने जितने 9 बनते चले जाएं हटाते चले जाओ, जितने जितने 9 बनते चले जाएं हटाते चले जाओ, तो कितना बच गया है, 5 और 3 8, 5 3 8 8 हो गया। 8 में कितना जोड़ूं, 8 में कितना जोड़ूं कि 9 पूरा हो जाए, 8 में कितना जोड़ू कि 9 पूरा हो जाए। सर 1, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप पूरा पूरा सम नहीं निकालना पड़ेगा, मैं आपको ये बात बता रहा था। यहां पर कुछ बच्चों को पता भी होगी, ये बात मैं भूल गया था बताना। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब आपको पता है कि 9 से भाग होना चाहिए, मैं हटा दूं, 4 3 7 2 9, 6 के अंदर x इक्वल टू 3 आ गया, देखते देखते खत्म होगी कहानी। 3 4 1 x 6 1, 3 4 1 x 6 1, देखो 4 3 7 8 और 9 हट गया। x में कितना जोड़ूं, ये x कितना रखूं कि पूरा 9 हो जाए। सर अब तो कहानी और आसान हो गई है, अच्छी बात हो गई, आपको जोड़ना ही नहीं पड़ रहा है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा रे, 3 आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चंस भी खूब पूछता है रेलवे का एग्जाम। एन एक पूर्ण संख्या है, एन एक पूर्ण संख्या है, एन एक पूर्ण संख्या है, जो 1 से बड़ी है, जो 1 से बड़ी है, एन एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है। ठीक है, एन स्क्वेयर मल्टीप्लाई में एन स्क्वेयर माइनस 1
किससे विभाजित होगा? किस संख्या से विभाजित होगा? किस संख्या से विभाजित होगा? ये लीजिए, और ऑप्शन दे रखे हैं जी, 16, 12, 10 और 8। 16, 12, 10, 10 और 8 ऑप्शन दे रखे ये वाले। अब आपको भी पता है इसका जवाब कैसे निकालना है, आपको बहुत अच्छे से पता है आपको इस बात का। अगर इस क्वेश्चन का आप जवाब चाहते हैं, इस क्वेश्चन का आप जवाब चाहते हैं सॉल्यूशन, तो n एक पूर्ण संख्या, मतलब पॉइंट का नंबर तो लेना नहीं है, और जो एक से बड़ा है, कहने का मतलब एक से बड़ा भी हो गया, तो क्या करना है? n इक्वल टू कितना रख दिया? n इक्वल टू रख दिया रे 2। n इक्वल टू रख दिया मेरे भैया 2। n बराबर 2 रखने से क्या होगा? n इक्वल टू 2 रखने से क्या होगा कि 2 का स्क्वायर कर दो 4, और इंटू में 4 माइनस 1, और 4 तिया 12। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जो नंबर आ गया, अगर वो नंबर बैठा है तो ठीक है, अगर ये नंबर नहीं बैठा होता तो क्या करते सर? अगर ये नंबर नहीं बैठा होता, अगर ये नंबर मैं कह रहा हूं नहीं बैठा होता, तो करना क्या था? फिर n इक्वल टू 3 लेते और कहानी को स्टार्ट कर देते, फिर n इक्वल टू 3 लेते और कहानी स्टार्ट कर देते। तो यानी सीधी सी बात ये है कि आपको ऐसे करना है, तो यानी यहां से मेरा आंसर कितना बन जाएगा? 12 आ जाएगा। बोलो ठीक है, बात समझ में आई क्या? तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ताकि सॉल्यूशन जो बना है वो इतना सा ही काट पीट के लगा दें आपके लिए। 16, 12, 10 और क्या था रे ऑप्शन, 16, 12, 10 और कुछ भी लिख दो यहाँ पर, 9 लिख दो रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ गया। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मुझे लगते हैं कि अब तो बिल्कुल हो गया। अब आते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई के स्थान का अंक, यूनिट प्लेस डिजिट। सीबीटी 1 के लिए है, यह मत समझना भाई, मैं देखो अभी बता देता हूं बेटा, कभी आप किसी भी बच्चे को डाउट ना रह जाए कि सर जो आपने रिमाइंडर फॉरम कराया, अब हम कोई भी पेपर दे सकते हैं ना, मैंने तो आपको रिवाइज करवा दिया कि ऐसे 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 आपको याद होगा। आपके जो क्लास नोट्स आप उनको पढ़ लेना, जो बच्चे मेरे से ही पहले पढ़े हुए हैं मोस्ट वेलकम, आप अपने क्लास नोट्स को रिवाइज कर जाना पूरे, ये तो आपको रिकॉल हो गया इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना, समझ गए ना चीजों को। यानी कि ये नहीं है कि सर सिर्फ ये 4 क्वेश्चन करे तो हमारा काम चल जाएगा क्या, ना काम चलने को तो मैंने फिर बोला था जॉब नहीं भी लगेगी तो भी काम चलेगा, गुरुद्वारे में रोटी मिलती है, लेकिन बात काम चलाने की नहीं होती, बात है जिंदगी के जीने की, कि जिया कैसे जाएगा, तो जिंदगी का जीवट कैसे होगा। तो यानी कि बात है कि वहां पर पेपर में आपको कोई कंडीशन फेल ना करे, पेपर की कोई भी सिचुएशन आपको हिला ना पाए अपने लक्ष्य से, तो सीधी सी बात क्या है कि इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना। यही आपको टेक्निक याद आ गई होगी कि हाँ यार ऐसे 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 ऐसा होता था, ठीक है ना भाई, क्योंकि ये कंसेप्चुअल बैच के अंदर हम लोग इन्हीं टॉपिक्स पे, जैसे अगर मैं आपको बताऊं अभी जो भी पढ़ के हैं कंसेप्चुअल बैच में, कि उसके अंदर क्या करते हैं, कम से कम 3 घंटे लगते हैं मेरे को वही पुराना टॉपिक पूरा करने में। जो ये टॉपिक है, जब ये वाला टॉपिक के अंदर कौन सा टॉपिक हमने करवा, विभाजकता नियम, कम से कम मैं बता रहा हूं कम से कम मेरे को 3 घंटा लगता इस टॉपिक को कवर करवाने में, कि भैया ये है क्या, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसी ये प्रैक्टिस होती है। लेकिन अभी क्या है ना, अभी हम लोगों को इतना समय हमारा है नहीं कि कंसेप्चुअली हम लोग कर लें उस चीज को, तो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। देखो अब यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई के स्थान का अंक, यूनिट प्लेस डिजिट क्या बोलता है, इकाई के स्थान का अंक। जब भी किसी संख्या को 10 से भाग दोगे ना, तो हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट आता है।
इकाई के स्थान का एक अंक, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक नंबर ले लिया 7, 8, 5 और 6, जैसे कोई भी एक नंबर ले लिया 7, 8, 5, 6, तो इकाई के स्थान का कौन सा अंक है रे, लास्ट डिजिट कौन सी है रे, ये है मेरे भाई, ये लास्ट डिजिट कौन सी है, ये है, देखो 6 है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, तो इकाई के स्थान का पूछता है। कभी कभार ऐसा होगा, CVT 2 में तो आ जाएगा, लास्ट के दो डिजिट बताओ, इसके अंदर CGL के अंदर आ जाता है लास्ट के 3 डिजिट बताओ, लेकिन आपके तो इकाई के स्थान तक ही काम चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको इसका भी करा दूंगा कि लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। तो समझो मेरी बात को, जब भी एक अंक निकालना है, और एक अंक निकालना है तो क्या करना है, करना क्या है, एक अंक निकालना है तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग दो। एक अंक लेकर आने के लिए दो अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग दो। एक अंक लेकर आने के लिए दो अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग दो। बात को सुना, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि जैसे अगर ये 72 है, मैंने बोला कि इसका आखिरी अंक बताओ, पहली तो बात आपको ऐसे ही पता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि सर 2 है लास्ट डिजिट, तो आप इसको 10 से भाग देके देखो, 10 7 70, कितना बच गया, 2। 10 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है वो भी लास्ट डिजिट होता है। अगर मुझे दो अंक निकालने हैं, लास्ट 2 डिजिट, तो आपको करना क्या होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग दो। अगर आखिरी के 2 डिजिट निकालें तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 100, तो 100 से भाग देना। बोलो अगर बात क्लियर है क्या, बोलो भैया, अगर 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट निकालने हैं तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग, 1 डिजिट निकालना है तो एक अंक की, ये दो, एक अंक निकालना था तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। देखो अब मैं क्या कहता हूं, जैसे कुछ भाई रूल चलना पड़ता है आपको, कैसे, जैसे एक बार उसके लिए मैं आपको सिखा देता हूं। पहले जैसे आप 2 की पावर 1 करते हो तो 2 की पावर 1 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे आप 2 की पावर 2 करते हो, 2 की पावर 2 करते हो तो 4 आएगा। जैसे ही आपने देखा आप 2 की पावर 3 करते हो, 2 की पावर 3 करते हो तो 8 आएगा, और जैसे ही आपने देखा 2 की पावर 4 करते हो, 2 की पावर 4 करते हो तो 6 आएगा। सबसे पहला काम तो होगा ये वाला 2। अब 2 की पावर 5 में क्या रहेगा भाई साहब, देखो मेरी बात को, इधर देखना रे, इधर देखो भैया, इधर देखो, देखो 2 की पावर 1 2 है तो 2 गुना 2, जिग जैग 2 गुना 2 4 आ गया, 2 गुना 2 2 गुना 2 4 आ गया, 4 दूना 4 दूना कितना आ गया है, 4 दूना 8 आ गया है, 8 गुना 2 8 गुना 2 टोटल कितना आ गया, 16 आ गया है, और 6 6 गुना 2 12 आ जाएगा। लास्ट अगेन 2 आ गया, अगेन 2 आ गया, रिपीट होना शुरू हो गया। तो कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो 4 पर रिपीट आएंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो 2 पर रिपीट होंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सीधी रिपीट होंगी। 9 10 ही तो शब्द हैं, 0 से लेकर 9 तक ही तो चेक करना, याद हो जाएगा। मुझे तो याद है 2 3 7 8 4 9, 2 3 7 8 4 9, बाकी बचते उधर चले जाओ। देखो अभी आपको भी याद हो जाएगा, लेकिन ये चीजें कहना याद हो जाती है, बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगी, क्योंकि भाई सिलेक्शन लेना है तो याद करना पड़ेगा, इसका तो कोई है ही नहीं कि याद ना हो। याद ना हो तो भैया इंस्पेक्टर बनना तो याद तो रखना पड़ेगा, नहीं तो कल को आपको बोल दिया जाएगा कि भैया उस कंपनी पे रेड मार के इतना पैसे लेके आओ, आपको सुबह उठे आपको याद ही नहीं रहा, आप गजनी बन गए, आप गजनी बन गए, आप चले गए, आपको रेलगाड़ी चलानी है, ठीक है ना, अभी लोको पायलट वगैरह और कुछ है, रेलगाड़ी चलानी है आपको, रेलगाड़ी, अब सुबह उठ के, अब आपको बताया था कि जमशेदपुर जाना है, और आप कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए जमशेदपुर जाने की बजाय आप गाड़ी को लेके भगा लिए चेन्नई की तरफ, बोला याद ही नहीं रहा, गजनी बन गए आप। याद तो रखना पड़ेगा मेरे भाई, याद तो रखना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं होता। 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 करूंगा तो 9 सिया कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा, और अब मैं 3 की पावर 4 करूंगा तो 7 या 2100 हो जाएगा, अब मैं 3 की पावर 5 करूंगा तो 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो दोस्त
तो यानी यहां से मुझे को ये कहानी समझ में आ गई, ये वाली दूसरी आ गई। अब अगर मैं बात करता हूं तीसरी, देखिए यानी जब दो हो गया तीन हो गया, मैं यहां से बात करता हूं चार की, चार की पावर एक कितना बन जाएगा, चार बन जाएगा, और चार की पावर दो कितना बन जाएगा, 16, 6 बन जाएगा। अब मैंने यहां से देखा चार की पावर तीन कितना बन जाएगा, चार बन जाएगा, चार की पावर तीन कितना बन जाएगा, चार बन जाएगा। देखो अब मैंने देखा चार की पावर एक तो चार हो गया, चार की पावर दो तो 6 हो गया, चार चौका 16, 6 चौका 24, चार चौका 16, यानी चार दो के बाद, दो पर ही रिपीट हो रहा है, चार तो दो पर ही रिपीट है, तो चार तो दो पर रिपीट है, तो हमेशा ध्यान रखना पावर अगर ओड नंबर है, पावर अगर ओड नंबर है तो आंसर चार आएगा, और पावर अगर इवन नंबर है, पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर आपका 6 आएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे, पावर ओड नंबर है तो आंसर चार है, और पावर इवन नंबर है तो आंसर 6 है। बोलो ये आ गया चार। अब आपने देखा चार देख लिया, पांच को आप चेक करो, पांच की तो कितनी पावर कर लो, पांच में तो हमेशा पांच ही रहना है, चेक करके देख लो, पांच की पावर एक 5 हो जाएगा, 5 की पावर 2 25, फिर 5 हो जाएगा, 5 की पावर 3 125, फिर 5 हो जाएगा, 5 की पावर 4 625, फिर 5 हो जाएगा। याद, और याद नहीं भी रहे ना, वहां मेंटली कैलकुलेट कर देना फटाफट फटाफट, अच्छा 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 की पावर 2, क्योंकि भाई दिमाग चलाने के लिए है वहां पर, 1 घंटे में जितनी स्पीड से दिमाग को चलाएंगे ना उतना फायदा है। अब यहां से मैं बात करता हूं 6 की, यहां से मैं बात करता हूं 6 की, तो 6 की पावर 1 6 है, 6 की पावर 2 36 है, 6 की पावर 3 216 है, 6 की 6 कितनी पावर निकाल दो, 6 की आप कितनी पावर निकाल दो, ये 6 ही बनेगा। अब अगर मैं बात करता हूं 7 की, तो 7 की पावर 1 7 हो जाएगा, 7 की पावर 2 49 ये 9 हो जाएगा, 7 की पावर 3 9 67 ये 3 हो जाएगा, और 7 की पावर 4 3 7 21 ये 1 हो जाएगा, 3 7 21 ये 1 हो जाएगा। अब मैंने देखा 7 की पावर 1 है, 7 7 गुना 7 9 आ गया, 9 गुना 7 3 आ गया, 3 गुना 7 1 आ गया। बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आ गई है, बोलो। चलिए अब 7 भी पूरा हो गया है, इसी तरीके से अब सर आगे क्यों नहीं लिखा, अरे आगे लिख ले, आगे लिखेगा 7 की पावर 5 1 गुना 7 7 ही आएगा मैक्सिमम है, या तो 1 पर ही रिपीट है सीधा सीधा, या 2 पे रिपीट है, नहीं तो 100% है 4 के बाद तो रिपीट होना ही होना है, ये तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता। अब अगर मैं यहां से देखता हूं 8 की पावर 1 तो 8 हो जाएगा, 8 की पावर 1 तो 8 हो जाएगा, मैंने देखा 8 की पावर 2 8 8 64 तो ये 4 हो जाएगा, मैंने देखा 8 की पावर 3 4 8 32 ये 2 हो जाएगा, और मैंने देखा है 8 की पावर 4 तो 2 8 16 ये 6 हो जाएगा। बोलो 8 भी हो गया, और मैं लास्ट देख लेता हूं 9, तो 9 है तो 9 की पावर 1 9 की पावर 1 तो ये 9 हो जाएगा, और ये 9 की पावर 2 ये 81 तो ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया है, 9 की पावर 1 यानी पावर अगर ओड नंबर है, पावर अगर ओड नंबर है तो ये 9 हो जाएगा और 1 9 आएगा, और पावर अगर इवन नंबर है तो ये 1 आएगा। बोलो भैया, अगर पावर ओड है तो ये इतना आएगा, और पावर इवन है तो ये उतना आएगा। बोलो बात बिल्कुल क्लियर है तो बताइए सभी बच्चों को, बात अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस तरीके से बताएंगे, क्लियर होगी सभी बच्चों को बात, बोलो सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए भाई, सभी बच्चों को। चलिएगा अब मैं कहता हूं कि इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, जनरली अगर मैं आपसे कोई एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कोई आपसे आपसे तो यार ऐसा ही पेपर है, आपसे तो ये भी पूछ सकता है 1 4 3 1 4 4 216 329 फाइंड इट्स लास्ट डिजिट, इसका इकाई का स्थान ज्ञात करें, फाइंड इट्स लास्ट डिजिट, इसके इकाई का स्थान ज्ञात करें। बोलो आंसर बताइए मुझे, तो
फाइंड इट्स लास्ट डिजिट, आपको क्या करना होगा रे, अंतिम अंक निकालना है, बोलो बोलो बोलो। मैं तो कहता हूं कि आप मुझे बताओ बस कि लास्ट डिजिट कैसे, अंतिम अंक की गुणा कर दो, 3 × 4 अंतिम अंक की गुणा कर दो। यहां तो चलो मैं लिख देता हूं, आप तक पहुंचेगी, 3 × 4 12, 12 है, गुना 6 और गुना 9, तो आपको पता है 3 × 4 12, 2 बच गया 2 × 6 12 बच गया 2 बच गया 2 × 9 18, 8 बच गया, 8 बच गया है, और 8 अगर बच गया तो आंसर कितना बन जाएगा, 8। आंसर कितना बन जाएगा, 8 आ जाएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपका आंसर ये आ जाएगा। अब अगर मैं आगे बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन, देखिएगा, जैसे अगर मैं आपको बात कर लेता हूं 75 की पावर 147, 75 की पावर 147, फाइंड इट्स यूनिट प्लेस डिजिट, इसके इकाई के स्थान का अंक ज्ञात करना है। फाइंड इट्स यूनिट प्लेस, इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें, बोलो सॉल्यूशन, इकाई अंक आपको ज्ञात करना है, क्या होगा, 75 की पावर 147। आपको पता है कि अंतिम डिजिट कितना है सर, 5, 5 की पावर कर करके देखो, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 5 होता है, 5 की पावर 3 125 फिर भी 5 होता है, तो यानी कि मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, बोलो ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, बोलो बोलो, बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो आपने बोला 724 की पावर 547, बताओ इसका इकाई का स्थान बताना आप सभी बच्चों, इसके इकाई का स्थान बताना है आप सभी बच्चों को, सॉल्यूशन बताइए मुझे, सभी बच्चों को इसके इकाई का स्थान का अंक बताना है, क्या होगा, बोलो भैया। 4 है, अब मुझे पता है कि 4 है सर, 4 में तो मुझे ध्यान नहीं है, अरे सोच भाई, थिंक कर, 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 6 होता है, पावर ओड है तो 4 आएगा, पावर इवन है तो 6 आएगा, पावर ओड है तो 4 आएगा, पावर इवन है तो 6 आएगा, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, हाँ, याद आया, पावर ओड, क्योंकि 2 पर ही रिपीट था, तो पावर ओड, ओड और इवन नंबर तो आपको निकालना आता है, ये क्या है सर, ये तो ओड नंबर है, अगर ओड नंबर है तो 4 की पावर 1 रख दो, और 4 की पावर 1 रख दोगे तो कितना आंसर मेरा आ जाएगा, 4 की पावर 1 रख दोगे तो आंसर आ जाएगा 4, बोलो भैया। चले नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, बोलो क्या सभी बच्चों को समझ आया, क्या बिल्कुल समझ आया होगा यार, इसमें मैं कहता हूं कि कोई दो राय ही नहीं है, बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, मैं ये कहता हूं 849 की पावर 1352, 1352, बोलो इसका इकाई का स्थान बताना है आपको, क्या होगा, बताइए, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे भाई, सभी के सभी ही बच्चे इसका जवाब देंगे कि 9 आ गया, 9 के अंदर क्या होता था, याद करो, पावर 2 बार पे रिपीट थी कि पावर 1 बार पे रिपीट थी कि पावर 4 बार पे रिपीट थी, बस ये याद आना चाहिए, अगर याद नहीं आया तो 9 की पावर 1 9 है, 9 × 9 81 एक हो गया, 1 × 9, अरे सर रिपीट रिपीट हो गया, मैं भी तो यही कह रहा हूं, तो 9 है, अगर 9 पे 2 बार पे रिपीट है, और 2 बार की रिपीट में इवन ओड, 2 बार की रिपीट पे इवन ओड, 4 बार की रिपीट पर 4 से भाग, और नहीं तो नंबर है ही, बस ये 3 ही रूल काम करेंगे पूरे का पूरा यूनिट प्लेस में, 100% आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा इनसे बाहर, नॉर्मल में तो नॉर्मल नंबर है कि पूरा पूरा रिपीट है,
दो बार पे रिपीट पे, इवन या ओड, इवन या ओड, दो बार का रिपीट पे आ गया। और इसके अलावा का अगर रिपीट है तो आप फिर, मतलब चार बार का रिपीट है तो चार से भाग दे लेना। तो देखो नाइन है, अरे नाइन है तो मैंने क्या किया रे, नाइन को भाग दिया भाई साहब, नाइन को भाग दिया, मतलब इवन नंबर, इवन नंबर है तो नौ का स्क्वायर, और नौ का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 में कितना होता है, एक आंसर। बोलो, अगर मैं कहता हूं कि आपको अगर बात समझ में आ गई है तो बहुत गजब बात है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मैं ये कहता हूं, मुझे आप बताएंगे 1518 की पावर 301, 1518 की पावर 301, बताइए क्या होगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 1518 की पावर 301 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बोलो भैया बोलो, सभी बच्चे बोलेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि सभी के सभी बच्चे बोलेंगे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो बोलेगा नहीं, बोलना है सभी को। सॉल्यूशन बताओ, 1518 की पावर 301, बोलो बस, आप तो हाँ ना का जवाब दो। आठ है, आठ तो सर चार बार के रिपीट पर बैठा है। अरे आठ अगर चार बार के रिपीट पे बैठा है तो पावर को चार से भाग दो, इसको लिखो आठ की पावर, अंतिम अंक उठा लो 301। आपको करना क्या है, आपको चार से भाग देना है। ये आठ की पावर कितना बैठा है, 301। आपको करना क्या है, चार से भाग देना है। मैंने अगर चार से भाग दिया, 4 सत्ता 28, 4 सत्ता 28 बचा कितना, 2, 4 पंजा 20 बचा कितना, 1। तो रिमाइंडर देखो कितना बच गया, रिमाइंडर देखो कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया सर 1। जो भी रिमाइंडर बचा है ना उसकी पावर कर दो, 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 8। 8 की पावर 1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आंसर मेरा आ जाएगा 8, बोलो आंसर मेरा आ जाएगा 8। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन सब दिक्कत देंगे नहीं। बोलो अगर ये आंसर आ गया, तो आंसर तो आ गया सर हमारा, आंसर 8 की पावर 1 और 8 आंसर है। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। मैं उम्मीद भी ऐसी कर रख के बैठा हूं आपसे। तो 672 की पावर 416, ये क्वेश्चन मैंने बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि जिन बच्चों से गलती होगी उनकी भी सही हो जाएगा बाद में, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों से गलती की गुंजाइश रहती है। और अब मैं आपके निकाल लेता हूं कबेट्स, क्योंकि क्लास के, सुबह की क्लास के हम अंतिम दौर में आ चुके हैं, और लास्ट दौर में आपका ज्योमेट्री, जो अरे करवा देंगे यार, करवा देंगे, बोर्ड पर धूप आ गई, आपको भी पता लग गया क्या? हाँ बोर्ड पे धूप आ गई है यार, आपको दिखाई देने लग गया क्या, धूप आ रही है। ठीक है, छः 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 छः, देखो 2 की पावर 4 है। अब मैंने देखा ये 2 है, ये 416 है, और 2 की पावर 416 है, तो ये क्या करेंगे, ये 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो पूरा पूरा भाग होगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। और अगर रिमाइंडर 0 बच जाए, रिमाइंडर 1 बचता है तो 2 की पावर 1 आंसर, रिमाइंडर 2 बचता है तो 2 की पावर 2 आंसर, रिमाइंडर 3 बचता है तो 2 की पावर 3 आंसर, और रिमाइंडर 0 बचता है, कल बताया था 4 से भाग देंगे तो छोटी, इससे छोटा ही रिमाइंडर आएगा, याद आ गया, 4 से भाग देंगे तो इससे छोटा ही रिमाइंडर आएगा, तो कल ही तो बताया था। तो अगर या तो 0 बचेगा, या 1 या 2 या 3, 4 तो बचेगा ही नहीं उससे छोटा, तो 1 बचे तो 2 की पावर 1 आंसर, 2 बचे तो 2 की पावर 2 आंसर, 3 बचे तो 2 की पावर 3 आंसर, और 0 बचे तो 2 की पावर 4 आंसर। तो यहां से देखा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 6 होता है, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 6, आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 6। बोलो, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। बोलो, तो चलिएगा मैं आज करता हूं यहीं तक, आज मैं करता हूं यहीं तक, और फिर शाम को मुलाकात होगी आप सभी बच्चों से,
और मैं कोशिश ये करूँगा कि शाम को आपको ना 3:30 बजे ही पढ़ा दूँ आज। 3:30 से 5 पढ़ाता रहूँ, 1.5 घंटे में पूरा ही करवा देता हूँ यार आज, है ना। ये तो यार मार्कर खराब होने लग रहा है। देखो 1.5 घंटे के अंदर मैं पूरा ही पढ़ा देता हूँ, जिससे क्या है आपके आपको फिर और कोई समस्या नहीं बैठे बनेगी। समस्या इन द सेंस कि आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो मैं एक बार टाइम जरूर चेक कर लेना, टाइम जरूर चेक कर देना। अगर 4 बजे क्लास होगी, अब ये मत सोचना कि सर आप बता ही दो। भैया मैं कोशिश करूंगा, अभी मैं टाइम टेबल देखूंगा ना मेरा भी यार। एक तो 3:30 होगी क्लास, या आपकी क्लास 4 बजे तो है ही है, फिर आप अपना देख लेना एक बार कि शेड्यूल किस टाइम का है। ठीक है, मैं 2 बजे से पहले पहले शेड्यूल बनवा दूंगा आपके लिए। और आपको कहाँ बाहर जाना, घर बैठ के पढ़ ही तो रहे हैं। 3:30 क्लास हो तो 3:30 पढ़ लेना, नहीं तो 4 बजे तो पढ़ना ही है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है एक बार देख लेना। तो चलिए चलिए 10 अक्टूबर अब, चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।